हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करती हूँ डीएनपी इंडिया में। इस वक्त की 10 बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे, तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेला कार्यक्रम में 71,000 लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर दिया है। ये मेला देश भर के 45 जगहों पर लगाया गया है। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। ज्ञानव्यापी की ASI सर्वे की मांग वाली हिंदू पक्ष की याचिका वाराणसी कोर्ट ने मंजूर कर ली है। इस पर अगली सुनवाई 22 मई को होगी। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को 19 मई तक आपत्ति दाखिल करने का समय दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक वकील के व्यवहार से सुप्रीम कोर्ट के CJI DVI चंद्रचूड़ इतने नाराज हुए कि आपा खो बैठे। वो अपनी सीट से उठ खड़े हुए और वकील को कड़ी फटकार लगाई। सरकार ने घरेलू स्तर पर उत्पादन किए जाने वाली कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स में कटौती की है। सरकार की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार ONGC और रिलायंस इंडस्ट्री जैसी पेट्रोलियम कंपनियों की ओर से घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स 4,100 रुपये प्रति टन से घटाकर शून्य कर दिए हैं। टेलीकॉम कंपनी भारतीय एयरटेल ने अपने Q4 FY23 यानी चौथी तिमाही जनवरी से मार्च के रिजल्ट अनाउंस कर दिए हैं। मार्च तिमाही में कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 50% बढ़कर 3,006 करोड़ रुपये हो गया है। वोडाफोन ग्रुप ने हाल ही में छंटनी की अनाउंसमेंट की है। जानकारी के मुताबिक ग्रुप की नई चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी CEO मार्गेरिटा डेला वेले ने बताया है कि कंपनी के 11,000 एम्प्लॉयज़ की छंटनी की जाएगी। इन सभी एम्प्लॉयज़ को 3 साल के पीरियड से हटाया जाएगा। पुष्पा आरआरआर और पोन्नियन सेल्वन जैसी बिग बजट फिल्में बनाने वाले LYCA प्रोडक्शन हाउस के चेन्नई स्थित ऑफिस पर ईडी ने छापा मारा है। एशिया नेट के रिपोर्ट के मुताबिक ईडी की तरफ से प्रोडक्शन हाउस के खिलाफ मनी लॉन्ड्री का मामला दर्ज किए जाने के बाद चेन्नई में LYCA के लगभग 8 ऑफिसेज में तलाशी ली गई है। इस साल केरल के दक्षिण पश्चिम मॉनसून 4 दिन देरी पहुंचने का अनुमान है। इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी IMD के अनुसार मॉनसून 5 जून तक दक्षिण राज्य में पहुंच सकता है। ये आम तौर पर 1 जून को केरल में दस्तक देगा। इसके साथ ही देश में मॉनसून यानी बारिश के मौसम की आधिकारिक शुरुआत मानी जाती है। मौसम की भविष्यवाणी करने वाले प्राइवेट एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक एक शक्तिशाली चक्रवात फेबियन दक्षिण हिंद महासागर से ऊपर की ओर बढ़ रहा है। इसे तट तक पहुंचने में 1 हफ्ता लग सकता है। ये मानसून स्ट्रीम के बनने में रुकावट डाल सकता है। तुर्की में हुए राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आ गए हैं। जनता ने किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं दिया है। कश्मीर मामले में पाकिस्तान का समर्थन करने वाले रेसेप तैयब एर्दोगन की पार्टी यानी AKP को 39.4% वोट मिले हैं। खबरों की और जानकारी के लिए देखते रहिए डीएनपी इंडिया। तब तक के लिए नमस्कार।